अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कुछ कार्रवाई करके हमें स्थायी किया जाए एवं हम लोगों को जिस प्रकार की जो सुविधाएं मिलती है सिर्फ हमें हमारी माताओं को हमारे कर्मचारी भाइयों को मित्र बनाने से कुछ नहीं होता। मित्र का नाम दे करके हम लोगों से सिर्फ काम लिया जाता है कि आप लोग सिर्फ हमारे मित्र हैं, ना कि कर्मचारी भी नहीं मान पाते हैं ये लोग और ना समझ पाते हैं। तो हमारा सरकार से बार बार यही निवेदन है और ये अनुरोध है कि हमारी उचित मांगों को मांग ले, अन्यथा पूरे प्रदेश में ये जब तक हमारे में जान रहेगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन। महिला दे में जितनी भी आगे बढ़ेगी उतने तुम्हारे लिए अच्छा है। सब सहयोग महिला का मिलेगा, जेंट्स लोग को तो बहुत आगे बढ़ेगा। ये धरना हमारा विगत 3 दिवस से चल रहा है। साथियों, आप अपने मन की बात यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि यदि उसकी हिम्मत ताकत आप बनेंगे तो शासन प्रशासन से अन्य जो भी आपकी मांग होगी शासन प्रशासन को घोटनों के बाद झटके आपको माता बहनों उनसे भी निवेदन है कि वो आए और हमारी तादाद बताए और शासन प्रशासन राजेश यहाँ बैठी मेरी माताओं को मेरा प्रणाम और ये सभी आशीर्वाद दाता आप सबको ज्ञात है अखिल भारतीय सपा मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72-62 यूनियन कर्मचारी संगठन की जो यूनियन है इसके द्वारा सतत पूरे मध्य प्रदेश में 16 तक के समस्त कर्मचारी, अभी तो हमने 16 नहीं वर्तमान परिस्थिति में भी जितने कर्मचारी लगे हैं चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो, अंशकालीन हो, मास्टर पर हो, ठेकेदारी में कार्यकर्ता हो, रोस्टर प्रणाली का व्यक्ति हो, उन सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जाए, यह हमारी मांग है। हम पहले भी अभी की बात कि यहाँ बीच में आकर बैठ जाए कृपया, हम सब एक ही हैं और कर्मचारी तो ये हमारी ताकत सामने सबको दिखेगी और इसी को हमें दिखाना है लगातार। सब आ जाओ भैया, बैठ जाओ सभी लोग, कपड़े के ड्राइविंग के पैसे मेरे से ले जाना, आ जाओ सब, यहाँ सामने आ जाओ, बीच में भी बैठ जाओ। सफाई कार्य बंद, हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारी कुछ कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे नहीं है, जिसमें इंदौर उज्जैन का उदाहरण दिया जा रहा है। अभी हम मिलकर आ रहे हैं तो हमने बताया कि 36 जिलों के अंदर, मध्य प्रदेश के 36 जिलों में अभी हमारी लगातार हड़ताल चल रही है। माननीय प्रदेश संगठन के अध्यक्ष मगनलाल जी झाझर साहब से भी अभी फोन पर वार्तालाप हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हड़ताल को लगातार चलने दो, शासन और प्रशासन हमारी मांगों पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है अभी तक। हो सकता है आज शाम तक कुछ निर्णय आए, शाम तक के उन्होंने कहा है कि शाम को बैठक होगी, नगरीय प्रशासन आयुक्त के साथ बैठक है,
लेकिन लगता नहीं है कि नगर प्रशासन आयुक्त आज भी उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो इंदौर में राष्ट्रपति आई है मुर्मू, वहां पे गए हुए हैं, देखते हैं क्या आगे क्या होता है। आप सभी को आज सफाई कर्मचारी की लगातार हड़ताल जारी है, पिछले 3 दिनों से पूरे शहर में भी सफाई कर्मचारी काम बंद कर दिया है। आज भी आपकी चर्चा हुई है कमिश्नर से, महापौर से, क्या चर्चा हुई और क्या आगे आपकी रणनीति है? देखिए, जो अभी हमारी कर्मचारियों की हड़ताल है, पूरे मध्य प्रदेश लेवल की हड़ताल है, और चूंकि कमिश्नर और महापौर महोदय हमारे सम्माननीय है, नगर निगम के महापौर जी और कमिश्नर महोदय ने हम लोगों को बुलवाया था, और आगामी जो अभी जो त्यौहार चल रहे हैं इसको देखते हुए उन्होंने कहा भी हम लोगों से कि आपकी जो हड़ताल है भाई इसको आप समाप्त करें, हमारे लायक जो भी हो सकता है हम क्या कर सकते हैं आपके लिए लोकल स्तर पर। तो भाई लोकल स्तर की जो मांग है वो तो हमने उनको बता ही दी है, लेकिन उनसे हमने निवेदन भी किया है कि चूंकि ये देवास नगर निगम से हमारे को कोई वो नहीं है कि भाई देवास नगर निगम के खिलाफ हम हड़ताल कर रहे हैं, हम पूरे राज्य शासन प्रदेश सरकार के खिलाफ भी हमारी हड़ताल है कर्मचारी। अपनी मुख्य जो हड़ताल का विषय क्या है, मतलब क्या मांग है आप? क्या मांग है भाई? हमारी मुख्य मांग है, इसे तो 18 बिंदु थे, उसमें से हमने 8 बिंदु शासन के सामने रखे हैं। उन 8 बिंदुओं में से आज दिनांक तक जो भी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन है उन सभी को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, और जो हमारे कर्मचारी जैसे हमारे पति पत्नी और पिता तीनों लोग अगर स्थायी कर्मचारी है तो एक की मृत्यु होती है तो दूसरे को अनुकंपा नहीं मिलती है, तो हमारी मांग है कि उनको भी अनुकंपा दी जाए। तीसरा है कि ये स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी जो होते हैं ये इस प्रकार का काम करते हैं, झुक के काम करते हैं, गंदगी में काम करते हैं, जिससे इनको कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, तो बीमारी हो जाती है तो ये कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं, तो मेडिकल के आधार पर इनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाए और इनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाए। अभी महापौर जी के साथ आपकी कमरे में बैठक हुई थी, उस विषय में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, महापौर जी के साथ जो हमारी कमरे में बैठक हुई है उन्होंने हमसे कहा था कि भाई आपकी मांग में हम क्या कर सकते हैं, तो हमने उन्हें एक राज्य शासन का नियम बता दिया। 2018 में एक नियम आया था कि 2007 तक के जो लोगों को विनियमित इन्होंने किया है उसी प्रक्रिया में 2016 तक के लोगों को किया जा सकता है। अगर आप 2016 तक के लोगों को विनियमित कर देते हैं तो उसका लिखित में हमें आप दे दीजिए कि कितने दिन में आप करेंगे, अगर आप हमें लिखित में दे देते हैं तो हमारा काम समाप्त ही कर देंगे। अगर आपकी मांग नहीं मानी तो आप आगे क्या करेंगे? हमारी मांग नहीं मानी तो ये लगातार हड़ताल जारी रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम रूपेश कल्याण है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन जिला अध्यक्ष। कर्मचारियों के जो पदाधिकारी और आए थे यहाँ पे और लगातार जो हड़ताल उनकी जारी भी है और चर्चा भी हुई है, क्या चर्चा हुई सर? हमारे सफाई मित्रों की हड़ताल पिछले 3 दिन से लगातार जारी है और ये राज्यव्यापी आंदोलन है इनका, ये केवल देवास नगर निगम का इश्यू नहीं है। फिर भी हमने यूनियन के नेताओं को बुलाकर उनसे बात करी, उनसे आग्रह करा है और उनको बुलाया कि देवास नगर निगम से जुड़े जो इशू है उनको हम प्राथमिकता के आधार पर बात करेंगे और देवास नगर निगम स्तर पर जो इश्यू हम सुलझा सकते हैं उनको तत्काल निराकरण करेंगे, सुलझाएंगे, क्योंकि देवास का सफाई मित्र भी हमारे परिवार का हिस्सा है और हम चाहते हैं कि स्ट्राइक खत्म हो और त्यौहार का समय है, इसमें लगातार देवास की सफाई व्यवस्था सुचारू चले उसको लेकर हमने यूनियन के नेताओं से बात भी करी, आग्रह भी करा और उन्हें आश्वस्त भी करा है कि देवास नगर निगम से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको हम तत्काल निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे।